तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मटका गला आपको बताऊंगा किस तरीके से काटना है। तो इसके लिए आगे देखिए, आपको बकरम चाहिए लगभग 7.5 इंच चौड़ी, और लंबाई जो है आप जितना बड़ा गला रखें उससे 1 इंच आप बढ़ती रखें लंबाई की, यानी कि जो है हमने यहाँ पर 11 ली है। अगर आपका गला 9 है तो आप जो है 10 रखें, अगर आपका गला 8 है तो आप जो है 9 रखें, मतलब 1 इंच बढ़ती रखें। और चौड़ाई के हिसाब भी यही होता है कि 1 इंच आपको बढ़ती रखना होता है, जितना बड़ा चौड़ा रखें गला। ऊपर की चौड़ाई जो है वो हमें 5.5 रखना है, तो यहाँ पर हम 3.5 रख देंगे। अब नीचे साइड में भी भाई हम करेंगे 3.5 इंच रखेंगे, लेकिन हमको चौड़ा नीचे रखना होगा, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो उसके बाद देखिए हमें जो है 3.5 इंच यहाँ पर रखना होगा, इतना हमें ऊपर का रखना होगा गैप। और इधर साइड में भी हम इस तरीके से कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधी लाइन यहाँ पर खींच लेंगे और इधर साइड की भी, तो ये हो गया। उसके बाद इस तरीके से रखेंगे 1 इंच यहाँ पर हम रखेंगे इस तरीके से। अब जो है इधर साइड में भी हम 1 इंच यहाँ पर रख देंगे इतनी दूर पे, और इसको इस तरीके से मिला देंगे, तो ये इस तरीके से हो गया कुछ। आप चाहें तो इसको और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो 1 इंच से आप 1.25 इंच भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से, मतलब आपको देखने में अच्छा लगे। अब बात करते हैं लंबाई की, तो देखिए मटका गला है तो आपकी 9.5 तैयार आना चाहिए, तो यहाँ पर हम 10 इंच रख देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं लंबाई। तो यहाँ पर जो है 3.5 हमने यहाँ पर रख दिया। अब क्या करेंगे, हम सीधी लाइन यहाँ पर खींच लेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद अब जो है हमको आधे बीच में 6.5 है यहाँ पर, तो 3.25 पे यहाँ पर निशान लगा लेना है, ताकि हमें गुलाई करने में बिल्कुल ही आसान रहे इस तरीके से। तो हम यहाँ पर चौड़ाई जो है आप जितनी चौड़ी रखेंगे, मतलब जितना बड़ा आपको गला बनाना है उसी हिसाब से रख सकते हैं। चाहे तो इस तरीके से आप बर्तन भी रख सकते हैं कोई सा भी, जैसे ये हो गया इस तरीके से, मतलब बड़ा बर्तन, तो इससे भी आप गोल कर सकते हैं। लेकिन जो है ये अब सब लोगों के पास ये ज़रूरी नहीं है कि बर्तन या कोई भी चीज़ लेके बैठें, तो वो हाथ से भी करना आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है लगभग हम जो है 6.5 या 7.75 इंच यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे। हम देखिए यहाँ से गुलाई करते हैं, तो इस तरीके से अब हमें इसमें मिला देना है। तो इस तरीके से देखिए एकदम बिल्कुल गोल बना है, तो हमको जो है यहाँ पर नोक नहीं बनना चाहिए, ऐसे करके गोल गुलाई में आए, तो इसको बाद में ऐसा करके आप कर लें। तो देखिए ये बिल्कुल गोल हो गया है। अब हम इसको काटेंगे, और यहाँ पर लगती है हमारी डोरी। तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं यहाँ से, ये हो गया, इसको हटा दिया। अब यहाँ से काटना है इतना, तो देखिए ज़रूरी नहीं आपकी कैंची निशान के हिसाब से ही चले, आपका हाथ जो है बिल्कुल गुलाई में सेट होना चाहिए। जब गला काटते हैं तो थोड़ी बहुत कैंची इधर उधर हो जाती है 1/2 इंच का, चाहे आप ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे काटेंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर आप सीधा सीधा भी काट सकते थे। यहाँ पर बीच का कुटका लगा दिया, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आया है बिल्कुल एकदम गोल में। तो चाहे तो आप ब्लाउज में बना सकते हैं, चाहे तो सूट में बना सकते हैं, जे चीज़ अगर आपको बढ़ाना, वैसे अगर आप जे चीज़ बढ़ा देंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ही ये इसमें तभी ये लुक आता है ऐसे करके, वैसे थोड़ा सा ये फैला फैला रहेगा अगर ये चीज़ आप जो है इसको कम कर देंगे, तो ये चीज़ इतनी ठीक है। अब इसको हम नाप के देख लेते हैं एक बार कि कितनी आ रही है ये चीज़ हमारी,
तो अब बनाने के बाद पहनने में भी थोड़ा सा फैल जाता है ना, हल्का सा गला, तो ये चीज़ भी आती है। अब 2 इंच का है तो ये बिल्कुल ठीक है। बाकी ऊपर की बात करें तो ऊपर हमारा जो है वो 5.5 इंच का है, बीच में बात करें तो यहाँ पर 7.25 है, जिसकी मैंने बताया था। अब ये चीज़ जो है, ये गुलाई, ये 6.25 है, तो मतलब ये ठीक है, बहुत ही फर्स्ट क्लास है। और कोई गला आपको काटना है या सीखना है तो कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।